अब चाय की चुस्की के साथ अखबार नहीं खबरों का भंडार डाउनलोड करें एबीटी न्यूज गूगल प्ले स्टोर से। चमचमाती गलियां, साफ सुथरी सड़कें, सड़क के नीचे नाली, नाली के ऊपर सड़क और सामुदायिक शौचालय, कहीं देखा है ऐसा नजारा? जरूर देखा होगा, लेकिन शहरों में। लेकिन ये नजारा है एक गांव का, और गाजीपुर के इस प्रमुख ने ऐसा काम कर दिखाया है। हमारे सहयोगी राहुल पांडे ने उनसे खास बात की है। बनारस, लखनऊ हो या दिल्ली, हर रोग की हर जगह की दवाएं, वो भी 20% की भारी छूट पर पुराने जिला अस्पताल से मात्र 500 मीटर की दूरी। ख्वाजा मेडिकल स्टोर, कपूरपुर, गाजीपुर। गाजीपुर जिले का मोहम्मदाबाद का सलेमपुर गांव इन दिनों चर्चा में है। चर्चाओं की वजह गांव में हो रहा विकास कार्य है। गांव में कुछ माह पहले ही 200 मीटर आरसीसी कार्य हुआ, जिसमें गांव के मुख्य नाले को अंडरग्राउंड कराया गया है, जिससे कि गांव का रोड स्वच्छ और चौड़ा हो सके। वहीं दूसरी तरफ सामुदायिक शौचालय तथा पंचायत भवन का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। इन सभी कार्यों की समीक्षा ब्लॉक प्रमुख रामकृत यादव स्वयं करते हैं। हमारे संवाददाता से बातचीत में मोहम्मदाबाद ब्लॉक प्रमुख रामकृष्ण यादव ने बताया कि उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि ग्राम सभा का विकास हो और निर्माण कार्य अव्वल दर्जे का हो, जिससे आम जन खुश रहे। उन्होंने बताया कि वह अपने घर के निर्माण में भी ऐसे ईंट और सीमेंट का प्रयोग नहीं करते जैसा कि ग्राम सभा के निर्माण कार्यों में करते हैं। वो सदा मानकों से ऊपर उठकर कार्य कराने का प्रयास करते हैं, जिनकी वजह से आज तक उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा है। पहले काम हुआ, ये गढ़ी का पानी है और बगल गांव के लोग का पानी अंडरग्राउंड पहले तब मतलब कैसे पानी आता था? पहले ऊपर से पानी आता था, काफी खतरा भी बना रहता होगा। गंदा पानी ऊपर से बहता था, गांव को मारता था सारी बीमारियाँ। पूरा जड़ ही इसका समाप्त हो गया। और सबसे कामयाबी का चीज़ ये हुआ कि 50-60% हम गांव से बीमारी दूर कर गए। निश्चित तौर पर, यानी स्वच्छता अभियान भी मोदी जी का पूरा एक तरह से हो गया और एक तरह से ये हो गया कि भाई गंदगी का आलम खत्म हो गया। कितनी लागत लगभग आई थी इसमें? लागत कम से कम 4 लाख। गाँव स्वर्ग बन गया है। नमस्कार, मैं हूं राहुल। इस वक्त मेरे साथ हैं मोहम्मदाबाद के ब्लॉक प्रमुख रामकृत यादव जी, जिनके द्वारा कई सारे विकास कार्य कराए जा रहे हैं ग्राम सभा सलेमपुर में। सलेमपुर में कौन से मुख्य रूप से विकास कार्य कराए जा रहे हैं, इन्हीं बातों को लेकर हम इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं। सर, आप अपना परिचय दे दें। रामकृत यादव, ब्लॉक प्रमुख मोहम्मदाबाद। प्रमुख जी, आपके द्वारा एक ग्राम सभा है सलेमपुर, जिसमें कई सारे विकास कार्य कराए जा रहे हैं। कुल कितनी लागत से विकास कार्य कराया जा रहा है और कौन कौन से कार्य कराए जा रहे हैं? सलेमपुर में तो बहुत विकास कार्य कराए हैं। पहला एक विकास कार्य हुआ है जो अंडरग्राउंड नाली, उस नाली को बाहर निकाल कर और कस्बे में उनका एक कस्बा का शिविर था, उसमें अपने सारे गांव का पानी जोड़ दिया, जो अंदर से अंडरग्राउंड होकर वो सीधे मगई नदी में चला जाता है। उसके बाद सलेमपुर में एक कृषि इकाई जो जर्जर भवन था, उसमें बहुत गंदगी था, उसको हमने अपने क्षेत्र पंचायत बजट से 9 लाख रुपया देकर उस कार्य को फिर से नया बिल्डिंग बनाया हूँ सलेमपुर में। उसी के बगल में सुलभ शौचालय बना है, उसके ऊपर एक पंचायत भवन जो 14.5 लाख की लागत से बन रहा है, वो अपने आप में मिसाल है। और क्षेत्र के अगल बगल के गांव जिसे सामुदायिक शौचालय से लाभान्वित होंगे, साथ साथ पंचायत भवन बनने से, कृषि इकाई बनने से, अगर गरीब तबके के लोगों को शादी ब्याह करने के लिए कोई जगह नहीं है, चूँकि हमारा गांव कस्बे के नज़दीक है, इसलिए उसका सदुपयोग शादी ब्याह में भी हो सकता है। प्रमुख जी, ये कहा जाता है शौचालय, सामुदायिक शौचालय के निर्माण की बात करें या फिर पंचायत भवन की, तो ये तो लगभग सभी गांव में हो रहा है। आपके गांव में इसमें क्या खास है और किस प्रकार की आप निगरानी बरत रहे हैं निर्माण में? निर्माण में कोई घटिया किस्म का सामान नहीं लगता है। मैं अपने घर से भी
अच्छा सुलभ शौचालय बनाया हूँ, एक जिला में अपने आप में एक मिसाल है, और पंचायत भवन भी जो बना रहा हूँ उसमें एक पैसे का घटिया काम नहीं हो रहा है, एक नंबर का काम हो रहा है। मेरा सपना था कि सलेमपुर में एक सचिवालय बने जिसमें सारा गांव का विकास को उसी में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि कोई भी जनता को किसी काम में कहीं भाग दौड़ की जरूरत न पड़े, स्वयं मिनी सचिवालय में जाए, अपना सारा काम जितना भी जनता का काम हो, पंचायत संबंधित, ये तहसील संबंधित, ब्लॉक संबंधित, सब अपने गांव में ही सब कागजात उपलब्ध हो जाए। यानी जो सरकार सपने देख रही है, जिस बात को प्रमुखता के साथ सरकार रख रही है कि हम गांव-गांव में एक ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि गांव के लोगों को तहसील या ब्लॉक मुख्यालय तक नहीं पहुंचना पड़े, वो आज आपका गांव साकार कर चुका है। जी, एकदम साकार कर चुका है। अब मैं बहुत जल्द से जल्द उस व्यवस्था को उद्घाटन करके लागू कर दूंगा। प्रमुख जी, नववर्ष चल रहा है, अभी आने वाले समय में मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस भी आने वाला है, ऐसे में आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने गणतंत्र दिवस पर और मकर संक्रांति पर तहे दिल से अपने क्षेत्रवासियों को शुक्रिया प्रदान करूंगा और आने वाला भविष्य उनके लिए कामना करूंगा कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो। तो ये थे हमारे साथ प्रमुख जी, जिनसे हमने वार्ता किया और इन्होंने किस प्रकार के विकास कार्य किए हैं, विकास कार्यों में किस प्रकार की इन्होंने देखरेख की है, किस प्रकार की सतर्कता बरती है, इस बारे में हमने जाना। उम्मीद करते हैं कि प्रमुख जी के इस काम से अन्य जनप्रतिनिधि सीखेंगे, और आप भी ऐसे ही जागरूक करने वाली खबरों के लिए देखते रहिए एबीटी न्यूज। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र। क्या आप काफी दिनों से गठिया रोग से परेशान हैं? क्या आपको कमर दर्द हमेशा रहता है? क्या आपकी जोड़ों में दर्द रहता है? तो अब कहें सभी दर्द को अलविदा। जी हाँ, गुणकारी जड़ी बूटियों से बना दर्द नाशक हर्बल तेल रोगन सुर्ख जदीद एक बार अवश्य प्रयोग करें। कान दर्द, सर दर्द, बच्चों के सूखा रोग, जलने कटने, चोट मोच सूजन एवं शारीरिक दर्द की अचूक औषधि तिब्बी रोगन सुर्ख जदीद तेल। एबीटी न्यूज के नाम पर ब्लैकमेल करने वालों से सावधान, नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं।